4.7। अच्छा, अभी 4.7 में आपको पता था नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट जस्ट ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे हमारे पास, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म आती है वो हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसी से ही हम उसका बता सकते हैं कि रूट, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हमें इसके रूट्स ही बताता है ना। तो अब उस रूट की नेचर बतानी है इन्होंने कि वो रैशनल है, इरेशनल है, इक्वल है, क्या है, मतलब वो सारे का सारा हमने चेक करना है कि मतलब इसमें नेचर ऑफ रूट उसकी हमने चेक करनी है। नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए आपके पास ये देखें, ये आ गया जी, आपको पता है फर्स्ट केस में आपके पास आ गया जी बी स्क्वेयर माइनस 4AC इक्वल टू 0। जब इक्वल हो टू होता है, रूट्स इक्वल हो, देन रूट्स ऑफ क्वेश्चन आर माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर 2A, सॉरी, सो डैट द रूट्स आर, ये कंडीशन बस आनी है पेपर में, ये मैट्रिक में भी थी, ये कंडीशन पेपर में आनी है कि इफ अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4AC इक्वल टू 0 है, तब उसके रूट्स कौन से होंगे, रियल एंड रैशनल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड, बी स्क्वेयर माइनस 4AC। अब ये देखें माइनस में वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर जब माइनस एक्स आ जाए, लेट्स सपोज माइनस एक्स ही हम कह देते हैं, या माइनस 4 या माइनस 2, कोई भी वैल्यू आ जाती है, माइनस एक्स लिख देते हैं, तब हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस जब आता है वो हमारे पास वैल्यू किस में चले जाती है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब माइनस होता है। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो वो रूट्स कोई भी आ सकते हैं, मतलब 5 आ सकता है रूट हमारे पास, 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी अनइक्वल, इक्वल जस्ट इस टर्म में आएंगे हमारे पास इक्वल रूट्स। और इसमें हमारे पास इस तरह के भी होते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए, लेट्स सपोज, ये अभी मैंने परफेक्ट स्क्वेयर नहीं लिखे थे, अब परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए, लेट्स सपोज बी स्क्वेयर माइनस 4AC को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 16, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बनता है 4 का, तब हम उस रूट्स को कहेंगे रैशनल। जब हमारे पास ये देखें बी स्क्वेयर माइनस 4AC इज परफेक्ट स्क्वेयर, देन ये जो वैल्यू विल बी रैशनल, एंड सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो होनी है, इक्वल जस्ट एक टर्म में होने हैं, वो कौन सी, जब इक्वल टू 0 आ गया, बाकी सारी टर्म्स में हमारे पास अनइक्वल तो रूट्स का हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट एक टर्म में हमारे पास इक्वल आना है, जब उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। अब जस्ट हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, उसकी नेचर ऑफ रूट बता देनी है हमने, नेचर ऑफ रूट बताने के बाद हमने देखना है कि मतलब कि वो किस नेचर का था रूट। अच्छा हाफ साहब, कौन सा क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट? हाफ साहब कौन सा क्वेश्चन है इसमें? सर उसका लैपटॉप जरा हेल्ड हुआ है तो वो फिर अभी नहीं आंसर कर सकता आपको, उसका मैसेज आया मुझे। आप बता दो फिर कौन सा क्वेश्चन करना है। सर परसों मैं लास्ट मैंने क्लास नहीं ली। नहीं नहीं अभी स्टार्ट करना है हमने, ये 4.7 स्टार्ट की है ना, इसका क्वेश्चन सर बस एक सर फिर अभी बताता हूँ, एक मिनट। ओके, अगर किसी और के पास है तो वो बता दे। जब तक वो नहीं बताता हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू इधर से आ गई 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट की, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर देखा हमारे पास क्या आ गया, 20। 20 आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ना तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बना, रूट इसका क्या होगा, अनइक्वल तो होगा, अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आया। दूसरा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बना, हम रैशनल नहीं कह सकते, तो जब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वेयर बने तो रैशनल होता है, जब परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो वो इरेशनल रूट होता है। तो ये देखें ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, देयरफॉर द रूट आर इरेशनल एंड अनइक्वल।
जी नेक्स्ट हाफ साहब आ गए हैं, सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 और 4 है। चलें सही क्वेश्चन नंबर वन का 2, 3 और 4 है। अच्छा जी ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6=0, उधर से ए की वैल्यू 1 आ रही है, ये बी की वैल्यू -5 आ रही है, सी की वैल्यू सॉरी इधर सी आना था, एक्स लिख दिया, सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। टेस्ट का हाफ साहब ऐसे है कि टेस्ट आपका होगा इंशाल्लाह परसों, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा ना आपका, तो वो सर मैडम थर्ड आपको एक लिंक शेयर कर देंगी, उस लिंक में आपने मतलब वो लिंक को ओपन करेंगे, उसमें ही आपकी जो भी आंसर आप टिक करेंगे या जो भी करेंगे आप फिल करेंगे, आपको उसी टाइम में आप पता लग जाएगा आपका आंसर गलत है या सही है। अच्छा सर, वो क्या कहते हैं, लिखने लिखने वाला कोई साहब नहीं होगा? नहीं लिखने वाला मैडम कह रहे थे कि ये खुल जाएंगे 11 तारीख तक खुल जाएंगे, उम्मीद तो बढ़िया इंशाल्लाह, तो कहते 11 को फिर इंशाल्लाह एकेडमी में मतलब वो टेस्ट रख लेंगे जो हमने इसमें ड्यूरेशन में पढ़ा है ना उसका टेस्ट रख लेंगे हम। अच्छा, अगर ना खुले तो खुदा ना खास्ता। तो फिर कोई ना कोई मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालूंगा ना, आप फिर मुझे मतलब आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप मुझे ईमानदारी से मतलब सॉल्व करके मुझे शेयर कर देना, मैं चेक करके आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा मतलब ठीक है सर। ना। अच्छा ये हमारे पास आ गया 20² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, 1 > 0 होता है, रूट हमारे पास क्या होंगे अनइक्वल तो होंगे क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, और रूट हमारे पास रैशनल होंगे, 1 1 हमारे पास स्क्वेयर बनता है, 1 का स्क्वेयर होता है बनता है, ये रूट्स आर रैशनल एंड रियल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखवाइएगा आप सब। हाफिज साहब है, मेरी बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है, मैं चलो गाइड पकड़ के बैठा हुआ गाइड से बता दो, सर। बड़ा वो छोटा छोटा करके अजीब से पूछे सर। कोई और बता दे भी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। सर टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x² - 5x+1 माइनस 5x फाइव माइनस 5x+1 ओके ठीक +1=0। है। अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या आ रहा है -5, -5 का स्क्वायर -4a * c, ये कितना बन गया 25, 4 2 8, ये कितना बन गया हमारे पास 8 निकालेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा, तो 17 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो बना नहीं है, तो रूट इसके क्या होंगे अनइक्वल और इरेशनल, इसलिए उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास आंसर आएगा उसका, रूट्स अनइक्वल एंड इरेशनल आ जाएंगे हमारे पास, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका अब हमारे पास चौथा पार्ट भी है, चौथे पार्ट में हमारे पास आ रहा है 25x² - 30x+9, तो अब हमारे पास इसमें ए का आंसर बी का सी का वैल्यू हमने पुट की, पुट करने के बाद हमने देखा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया 0 के बराबर, जब 0 के बराबर आता है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास रैशनल एंड इक्वल, इक्वल तो आपको पता होने ही होने हैं, आपको पता है 0 का स्क्वेयर भी करें तो वो हमारे पास आंसर क्या बनता है 0 ही बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इसका, तो इसी का पार्ट 2 और पार्ट 4, पार्ट पार्ट क्वेश्चन फोर है, पार्ट 4 नंबर 2 का पार्ट 2 और 4, सर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है सिर्फ। पार्ट 1 है। अच्छा पार्ट 1 में हमारे पास ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, x² - 2m+1/m x+3, तो अब इसका हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के, ये देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी, बी की वैल्यू हमारे पास x के साथ जो भी टर्म आ रही थी, सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई,
अब इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर किया माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, वो हमारे पास 12 बन गया। 2 का स्क्वेयर 4, इसमें फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो इधर से हमारे पास क्या बन गया, जब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 कॉमन आ गया, तो ये बन गया एम स्क्वेयर प्लस 1 और एम स्क्वेयर प्लस 2 माइनस इधर 3 रह जाएगा। 3 में से 2 निकाल दिए तो हमारे पास माइनस 1 आ गया, तो ये माइनस 1 आ गया। माइनस 1 के बाद हमने देखा कि हमने कोई इसको टर्म बनानी है जिसमें हमारे पास वैल्यू इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आए, हमारे पास हमने देखना है कि एक फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला इधर कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको हमने इसमें माइनस वन ऐड भी कर दिया। माइनस वन ये क्यों किया, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास बेसिकली इधर क्या आता है, जैसे इसका फार्मूला एक्सपेंड किया है ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इधर आना था, mm से कट गया 2 आना था, तो इधर हमारे पास माइनस वन है। अब माइनस वन को हमने क्या करना है, माइनस वन को जब हम करेंगे एक माइनस वन और ऐड कर देंगे, एक प्लस वन कर देंगे, जो अपनी तरफ से ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये बन गया, ये इतना फार्मूला हमारे पास कंप्लीट बन गया, एम माइनस वन और एम का होल का स्क्वायर प्लस वन। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स इसके क्या होंगे, अनइक्वल और रियल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर बनता तो हम कहते ये रूट्स इसके रैशनल भी होंगे, तो इसलिए हमारे पास रूट्स इसके क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पार्ट 1 ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसी में ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास सिंपल माइनस पी आ गई, और सी की ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। ये क्या लिख दिया इसने, हाफ साहब इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये उल्ट उल्ट कर गया इसको ना, इसकी स्टेटमेंट ये ठीक लिखी हुई है ऊपर ये वाली, नो सर, स्टेटमेंट में क्या कहां पे गलती है, पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस माइनस क्यू आएगा, जस्ट ओनली माइनस क्यू जी सर। अच्छा 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 अच्छा, उसने क्या किया ये देखे, उसने, मैं भी ये देख रहा था, उसने यहां तक, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया यहां तक। आगे उसने वो लिखना था ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, वो उसने आगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आना था नीचे। तो अच्छा, अभी ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की, ये सी की, इसमें पुट किया, ये बन गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, तो इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक फार्मूला किसका बन गया, ये बन गया पी का स्क्वायर प्लस टू इंटू पी, और क्यू हमारे पास वो बन गया टू क्यू का स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा टू क्यू। अब ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करने पी स्क्वायर फोर पी क्यू प्लस फोर क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी, तो इसका हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करके इनका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है आपको पता है रूट्स उसके क्या होते हैं, रैशनल, रूट्स उसके रैशनल होंगे हमारे पास। जी नेक्स्ट आफ साहब, चल मैं एक मिनट देख रहा हूँ। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके उसमें मैट्रिक में भी था, एक्स स्क्वायर
अच्छा अभी ये हमारे पास आ गया इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको एक्सपेंड करना है हमने, क्योंकि इसमें जब हम करेंगे इनका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक और बन जाएगा, तो इसमें बनता है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी एम एक्स प्लस ये जो सी है प्लस बी का स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पीछे रह गया वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गई हमारे पास। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास सी की वैल्यू, इतनी वैल्यू हमारे पास होगी बी की वैल्यू एक्स के अलावा, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास ए की, ये नीचे लिख दी। फिर डिस्क्रिमिनेंट हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट की ए की और सी की, मल्टीप्लाई किया ये बन गया फोर एम सी स्क्वायर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया वन को सी के साथ सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर, वन को फिर मल्टीप्लाई किया माइनस ए के साथ, फिर एम को मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर के साथ, फिर एम को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर के साथ, ये आगे वैल्यू, फिर अंदर फोर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर दोनों में से कॉमन ले लें, फोर जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम सी स्क्वायर, और ये आपस में जब हो जाएंगे कैंसिलेशन, पीछे रह गया हमारे पास ए का स्क्वायर, ये ऐसे टर्म बन जाएगी, ये टर्म इन्होंने थोड़ी सी आगे पीछे लिखी हुई, ये टर्म ऐसे बन जाएगी हमारे पास फोर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, अब उसने उसके रूट उसने खुद बताया हुआ है रूट्स इक्वल है, जब रूट्स इक्वल हो तो हम उसको जीरो के बराबर रख सकते हैं। आपको पता है इधर से फोर डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये वाला सारे का सारा पोर्शन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इधर से हमारे पास सी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर इसमें भी है ए स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर सेवन, सबसे पहले तो हमने इसकी जनरल फॉर्म लानी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो अब इसमें ए स्क्वायर भी आ रहा है नीचे ओवर में बी स्क्वायर भी आ रहा है, हमने क्या किया हमने थ्रू आउट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल, इधर से ए स्क्वायर से कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास। अब इसका फिर वही फॉर्म हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या करना है हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करेंगे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसका पूरा फार्मूला हमारे पास एक्सपेंड होगा, उसका पूरा फार्मूला एक्सपेंड हो गया तो हमारे पास ए के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने देखनी है एक्स स्क्वायर की टर्म सेपरेट, एक्स वाली सेपरेट और कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट, अब इन दोनों एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे टर्म ये रह गई ए की वैल्यू, यहाँ से लेके एक्स से पीछे पीछे तक हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, और ये टोटली हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, फार्मूले में पुट करेंगे ए बी सी की जगह, जब ए बी सी की जगह हम पुट करेंगे फार्मूले में तो हम देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या बनता है। अब ये थी हमारे पास बी की वैल्यू ये वाली, इसका स्क्वायर माइनस फोर ये ए की वैल्यू ये आ गई, और ये सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम उसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा दोनों में फिर उसी तरह ही लास्ट टाइम तरह, अब फोर ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और इधर भी फोर ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाली टर्म, इसमें तो ये सारी टर्म कॉमन आ गई हमारे पास, पीछे अंदर बस माइनस मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा अब ये देखें, अब माइनस से जब हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद हमने देखा कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब यही टर्म पहले वाली और ये थर्ड वन ये कैंसिलेशन होगी, फिर हमारे पास टर्म रहेगी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस बी की पावर फोर प्लस ये वाली टर्म रह गई हमारे पास। अब इन तीनों टर्म्स में हमारे पास, उसने खुद ही फिर बता दिया कि इन तीनों का हमारे पास जो है ये रूट जो है वो क्या बनते हैं, इक्वल रूट है। जब इक्वल रूट होंगे तब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों में हमारे पास बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है। बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे टर्म हमारे पास जाएगी ए फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इधर से हमारे पास बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इधर से उसी तरह सी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। वही हमारे पास ही हमने रिजल्ट इसका फाइंड आउट करना, तो वही रिजल्ट आ गया हमारे पास। आपको पता है ना तो ए जीरो हो सकता है ना बी जीरो हो सकता है, जीरो कौन सा होगा, ये वाली टर्म सारी जीरो होगी। जब ये जीरो होगी तो उनमें से हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी आप सब नेक्स्ट सर, बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। खत्म हो गई एक्सरसाइज जी सर। जी ये तो फिर अच्छा हो गया। अच्छा सर, सारी ट्रिग्नोमेट्री